हे हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आप सब लोग का स्वागत करता हूं गाइस मेरे फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइस मैं हूं सुनील, आप रख दे सुनील गेमिंग चैनल। तो गाइस आज हम आ गए फिर से एक न्यू टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो लेके, जो कि भाई आप सब लोग बोला था कि सुनील भाई यार वन टैप हिट कैसे मारना है। तो गाइस आज भाई फाइनली भाई वीडियो लेके आए भाई वन टैप हिट कैसे मारना है, जो कि भाई आप लोग को जो सामने एक एनिमी होता है तो वो बंदा का खोपड़ी कैसे तोड़ना है एक ही गोल पे। तो भाई बहुत आसान है भाई कैसे तोड़ना है उसका खोपड़ी। तो भाई मैंने आज लेके आए भाई टिप्स एंड ट्रिक कैसे फोड़े उसका खोपड़ी। तो गाइस चलो बिना देर करके वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बहुत मजेदार टिप्स एंड ट्रिक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग भी वन वीक का अंदर भाई कसम से वन टैप हिट आसान से मार सकते हो। तो गाइस बिना देर करके भाई वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो फुल तक देखेंगे, ठीक है। तो गाइस टिप नंबर वन में हम बात करेंगे अपना सेंसिटिविटी। तो गाइस आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा शो में रखा गाइस, ठीक है। और भाई आप लोग का भाई आसान से ड्रैग हिट और भाई वन टैप हिट मारना है तो आप लोग का सेंसिटिविटी भी पूरा हाई में होना चाहिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा शो में रखा है। यदि भाई आप लोग का शो में नहीं रखा तो क्या होगा, और भाई शो में रखने के बाद आप लोग का क्या फायदा होगा पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो फुल तक देखना। तो आप सभी लोग यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हो, जो कि भाई मैंने अपना सेंसिटिविटी पूरा लो करके 39 में रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे कितना मुश्किल हो रहा है भाई ड्रैग मारने के लिए, और भाई साथ में भाई मूवमेंट स्पीड और भाई अपना ये एम को भाई 180 डिग्री में मारने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आप लोग के साथ एग्जाम्पल के साथ मैंने वीडियो लिख के आया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इतना मुश्किल होता है गाइस सेंसिटिविटी लो में रखा, तो भाई आप लोग का वन टैप हिट मारने के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब भाई हम करेंगे भाई 100 में रखे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100 में रखने के बाद अपना मूवमेंट स्पीड भी इतना फास्ट होता है, और भाई आप लोग भाई आसान से भाई 180 डिग्री में बंदे लोग का खोपड़ी भी तोड़ सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आगे पीछे पूरा भाई बहुत आसान से आप लोग भाई मार सकते हो वन टैप, ठीक है। तो इसलिए भाई सेंसिटिविटी अपना पूरा 100 में रखना है, और भाई 100 में रखने के बाद आप सभी लोग का भाई आसान से वन टैप हिट लगेगा, ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम बात करें टिप्स नंबर टू का, जो कि भाई टिप्स नंबर टू है गाइज कस्टम हॉर्ड। तो गाइज बहुत प्लेयर लोग भाई ड्रैग हिट मारने के लिए अपना ये जो कि अटैक बटन होता है ना, तो इसको भाई बहुत छोटा कर देता है गाइज, ठीक है भाई। इसका भाई 20-25 में रखता है इसका शेप को, ठीक है। पर भाई आप लोग ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने के बाद आप सभी लोगों का क्या होता है, कभी कभी आप लोग भाई ड्रैग शॉट मारने के लिए वन टैप हिट जब टच करते हैं ना उस टाइम में आप लोग का अटैक बटन टच नहीं होता है। तो गाइज इसलिए आप सभी लोग का भाई इसको ठीक मीडियम साइज में रखना है, जैसे कि भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते मैंने 48 में रखा है, जैसे आप लोग 50 में रख सकते हैं, ठीक है। जो कि भाई न्यू प्लेयर आया है तो उन सभी लोग 50 में रखो तो 50 में अच्छा होगा, और भाई आप लोग का आसान से ड्रैग हिट लग सकते हैं, ठीक है। आप लोग का कभी भी अटैक बटन मिस नहीं होगा। और भाई बात करेंगे इस ए वाला, जो कि भाई आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सबका साथ होते गए अपना कस्टमर में, तो इसको पूरा भाई बड़ा करके जो कि भाई ये क्रॉस हुआ है ना रेड लाइन क्रॉस हुआ है, तो उसमें हमारा भाई गन का एम वाला होता है, ठीक है। एम टारगेट वाला का ऑप्शन होता है, तो उसमें भाई पूरा ये जहाँ पे क्रॉस हुआ है ये रेड वाला, तो उसमें लेके ये बीच में रख देना, ठीक है। जैसे कि भाई मैंने रखा है, तो ऐसा करने के बाद आप सभी लोगों को भाई अपना वो एम जो कि भाई टारगेट होता है ना उस वो एम वाला, तो वो कहाँ पे जा रहे पूरा आप लोग का एग्जैक्टली मालूम होगा। तो ऐसे मालूम होने के बाद आप सभी लोग ड्रैग हिट मारने के लिए वन टैप हिट मारने के लिए आसान होगा, जैसे भाई एग्जाम्पल ये वीडियो देख सकते हो। तो गाइस अब हम बात करें टिप्स नंबर थ्री का, तो टिप्स नंबर थ्री के गाइस आप सभी लोग वन टैप हिट और ड्रैग हिट मारने का टाइम आप सभी लोग मूव नहीं करना है भाई, एक ही जगह पे खड़ा होकर मारने गए, ठीक है। और भाई इसमें हम बात करेंगे हमारा ड्रैग हिट क्यों नहीं लगता है अपना सेंसिटिविटी 100 में रखने के बाद भी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई हम बहुत प्लेयर ऐसा होता है कि भाई वन टैप हिट मारने के टाइम ऐसा मूव करके मारते गए, ठीक है। मूव करके अपना अटैक बटन को ड्रैग करते हैं और भाई उसका कभी नहीं लगता है, पर भाई हम सभी लोग का ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि भाई आप जहाँ पे हो भाई वहीं पे खड़ा होकर आप लोग का अटैक बटन को पूरा ड्रैग करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप सभी लोग का शायद यहाँ पे मैं बहुत फास्ट मूवमेंट करके मारा हुआ, जैसे कि आप सभी लोग को माल होगा, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आप सभी लोग का, पर ऐसा नहीं है। जब मैं अटैक करता हूँ मैं भी एक ही जगह पर खड़ा होकर मारता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा हम सभी लोग क्या करते हैं ड्रैग हिट मारने के टाइम में, वन टैप हिट मारने के टाइम में पूरा मूव करके हम अटैक बटन को ड्रैग करते हैं, तो इसी टाइम में हमारा कभी भी ड्रैग हिट नहीं लगता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए भाई आप लोग का वन टैप हिट और ड्रैग हिट मारना है, तो भाई कभी भी आप लोग का अटैक बटन जब हम ड्रैग करते ना तब आप लोग का मूव नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो गाइस जब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 4 का, तो टिप्स नंबर 4 है गाइस एम। तो गाइस आप सब लोग हाँ सही सुना, जो कि भाई आप सब लोग भाई फ्री फायर में ड्रैग हिट मारते होगा, ड्रैग हिट मारने के टाइम में कौन सा गन यूज करते हैं आप सब लोग, एस के एस हो गए भाई, एम4A1 हो गए भाई, एक्स एम8 हो गए, स्कार हो गए, ये भाई बहुत
लगने इसका गन ही गाइस, ठीक है। तो यही गन में आप सब ड्रैग रेसर मारने के टाइम में क्या करते हैं, बंदे का सामने आपका एम को फोकस, जो कि भाई रेड डॉट को फोकस करके आप लोग ड्रैग मारते गाइस, ठीक है। इसी के कारण से आप लोग का ड्रैग रेसर लगता है। पर भाई वन टैप हेडशॉट में ऐसा नहीं करना है गाइस, आप सभी लोग का भाई क्या करना है भाई, अपना वो वन टैप जब मारने का कोशिश करते ना, तब भाई आप लोग का वो एम को रेड डॉट होने का नहीं देने गाइस, ठीक है। जैसे कि भाई आप लोग समझ चुके भाई आप लोग का वो एम में भाई रेड डॉट आ गए तो भाई आपका ड्रैग रेसर नहीं लगेगा, मतलब भाई वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। तो इसलिए भाई आप सभी लोग का भाई वन टैप हेडशॉट मारना है तो भाई बिना भाई एम करके भाई मारना गाइस, ठीक है। यदि आप लोग का एम में भाई रेड डॉट आ गए तो आप लोग का भाई कभी वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरा भाई वो रेड डॉट ही नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए भाई मैंने सीधा भाई उसको जब बंदा देखा तो एग्जैक्टली बंदा को डिग्री मालूम हो कि भाई मैंने अटैक बटन को वही साइड लगा तो भाई मेरा वन टैप हेडशॉट आसान से लगा। तो गाइस आप सभी लोग भाई वन टैप हेडशॉट मारना है तो भाई आप लोग का वो एम में भाई रेड डॉट आने का नहीं देना गाइस, ठीक है। क्योंकि भाई लॉन्ग रेंज में तो भाई आप सभी लोग भाई ड्रैग रेसर मारने के लिए तो अपना एम का टारगेट होता है तो उसको फोकस करके रेड डॉट आके मार ड्रैग करते भाई, ठीक है। तो इसी कारण से आप लोग का ड्रैग लगता है। पर भाई ये शॉटगन में उल्टा सा है, आप लोग का भाई एम को रेड डॉट होने नहीं देने गाइस, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग भाई वन टैप हेडशॉट आराम से मार सकते हो। और भाई टिप्स नंबर 5 का बात करेंगे जो कि भाई फनी खाल का है, जो कि फनी टिप्स है भाई, प्रैक्टिस करो। यदि भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो भाई आप लोग का वन टैप नहीं लगने वाला है। जितने भी वीडियो देखो भाई, जितने भी प्रो प्लेयर का टिप्स एंड ट्रिक वीडियो देखो, यदि आप लोग भाई प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो भाई आप लोग का कहाँ से लगेगा ड्रैग रेसर। जाओ भाई वन डे में भाई वन आवर तो भाई ट्रेनिंग मोड खेलो भाई, पूरा प्रैक्टिस करो, जैसे कि भाई मैंने बताए भाई ऐसे करके खेलो तो आप सभी लोग आराम से भाई वन टैप लगेगा। और भाई आप लोग भाई बंदे का खोपड़ी भी आराम से तोड़ सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस टिप्स नंबर 5 में मैंने यही रखा भाई, प्रैक्टिस करो भाई, दिन में भाई वन आवर प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग मोड में जाके। और भाई उसके बाद आप लोग वन वीक का अंदर भाई कसम से भाई वन टैप हेडशॉट मारने मार सकते हो भाई, कसम से कतई जेरो वाला मार सकते हो। तो इसलिए भाई जाओ प्रैक्टिस करो खेलो, ठीक है। टिप्स नंबर 5 पे इसलिए मैंने प्रैक्टिस कर रखा है। तो कैसा लगा आप लोगों का ये वीडियो, तो अच्छा लगा तो भाई प्लीज लाइक कर देना। अरे भाई नीचे एक भाई रेल वाला का सब्सक्राइब का बटन होता है तो उसको दबा दे के व्हाइट कर देना। अरे भाई साइड में एक घंटी होता है तो उसको भी दबा देना गाइस, ठीक है।